बीजेडी के इस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों का ही हो रहा है। यहां से नौजवानों को पलायन करना पड़ता है। बीजेडी सरकार यहां निवेश के लिए उचित माहौल नहीं बना पाई। एक माफिया है, एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है, और वह माफिया ऐसा है कि यहां कंपटीशन आने ही नहीं देता। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए, भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। उड़ीसा की धरोहर की कोई चिंता नहीं है। जगन्नाथ जी के श्री रत्न भंडार को लेकर जो कुछ हो रहा है उससे पूरा उड़ीसा बहुत गुस्से में है। अब लोग कहते हैं कि श्री रत्न भंडार की चाबी तमिलनाडु चली गई है, कहते हैं। अभी किसने भेजी है भाई तमिलनाडु? ये तमिलनाडु कौन ले गया है? कौन ले गया है? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? जिस तरह श्री रत्न भंडार की चाबी खो गई और फिर जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया, और इस मामले पर बहुत बड़े गंभीर सवाल उठते हैं, लेकिन मैं उड़ीसा के मेरे भाई बहनों को कहना चाहता हूं, साथियों, ये मोदी है, मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती की पूजा कर रहा हूं, और मेरे लिए जितने भगवान सोमनाथ दादा के आशीर्वाद है इतने ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद है। मुझ पर सोमनाथ दादा का भी कर्ज है, मुझ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी कर्ज है, और इसलिए मैं उड़ीसा के एक एक नागरिक को गारंटी देता हूं, आप आश्वस्त रहिए, यहां भाजपा सरकार बनते ही ये चाबी का राज खोला जाएगा। जांच रिपोर्ट आपके सामने आएगी, और अगर किसी ने गड़बड़ की है तो मोदी किसी को छोड़ता नहीं है।